प्रेस जगत के जुड़े हुए सभी मेरे बहुत सम्माननीय, बहुत आदरणीय आप सभी का मैं अपने घर में इस कुटिया में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, मेरा प्रणाम, मेरा अभिनंदन स्वीकार करता हूँ। इसके बाद रायगढ़ विधानसभा के पूरे 292 मतदान केंद्रों का सेनापतित्व करने वाले रायगढ़ शहर, हमारा रायगढ़ का पूर्वांचल, उसौर क्षेत्र, सरिया क्षेत्र, वहाँ के सारे सेनापति जो है यहाँ पर आज आए हैं इस धर्म युद्ध में हिस्सा लेने के लिए, मैं उनका भी बेहद स्वागत करता हूँ। बीस तारीख की रात जब से टेलीविजन पे समाचार आया भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के 77 प्रत्याशियों की सूची घोषित की, जिसमें एक रायगढ़ का भी नाम था, और रायगढ़ से आदरणीय श्री रोशनलाल अग्रवाल जी का नाम तय हुआ। उसके बाद से लगातार फोन पे फोन, फिर दूसरे दिन सुबह से रात तक हजारों लोग यहाँ पर आना जाना इकट्ठा हुए, और हर कोई हतप्रभ था, हर कोई आश्चर्यचकित था, हर कोई ये सोच नहीं पा रहा था कि निर्णय कैसे हुआ, किस आधार पे हुआ। सबके मन में यही प्रश्न था कि कैसे, ये कैसे। इससे कुछ दिन पहले, 20-25 दिन पहले, एक महीना पहले, रायगढ़ के 7 वरिष्ठ लोग हम लोग सब गए थे, जिसमें ऐसे भी लोग थे जो रायगढ़ से कोई टिकटार्थी नहीं थी, टिकट के दावेदार नहीं थे, लेकिन प्रमुख हैसियत, प्रमुख पदों पर थे, वैसे भी लोग थे, बहुत आए थे, और सबने जाकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय स्वदान सिंह जी को, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय धर्म कौशिक जी को, प्रदेश महामंत्री आदरणीय पवन साय जी को, सबसे अलग अलग मुलाकात हुई, और सभी ने अपने अपने शब्दों में एक बात कही कि रायगढ़ की वर्तमान स्थिति ये है, और वर्तमान विधायक की लोकप्रियता उतार पे है, और हम सबको ये लगता है कि वो जीत नहीं पाएंगे। इस बात पे आप गंभीरता से विचार करें, और आपके सर्वे, अपनी जांच, उन सब के अध्ययन के आधार पे जो आप उचित लगता हो निर्णय लीजिए। लेकिन चूंकि हम सब प्रमुख लोग हैं, रायगढ़ से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए हमारा दायित्व तो बनता था कि जो जमीनी सच्चाई है, जमीनी हकीकत है, आम जनता का जो मनोभाव है, उससे नहीं बहुत हो गया। और कुछ लोग अगर चेहरा देख के टिकट देते हैं तो हम वैसे लोग को इनकार करते हैं, वैसे लोग को हम स्वीकार नहीं करते। मैंने सबसे यही कहा कि मुझे 2-3 दिन का समय दीजिए, मैं अपने सभी प्रमुख लोगों से, पार्टी के प्रमुख लोगों से, अपने परिजनों से, प्रेस मीडिया में जुड़े हुए मेरे मित्रजनों से सबसे मैं सलाह करूंगा, और सबसे मूल जनता की मन की थाह भी लेने की कोशिश करूंगा, जनता के मन में वास्तव में क्या है, क्योंकि कोई छोटा मोटा निर्णय नहीं है निर्धारित चुनाव लड़ने का, तो मुझे 2-3 दिन का समय दीजिए। सबने कहा ठीक है। उसके बाद लगातार बैठकों का दौर चला, और पूरे रायगढ़ विधानसभा में जो हमारे जोन होते हैं सब जगह बैठ के संपन्न हुई, कुछ जगह मैंने बैठ के की, कुछ जगह हमारे मित्रों ने बैठ के की, और सब जगह से निचोड़ यही आया कि नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ने से श्रेयस्कर है, और रायगढ़ की जनता, कार्यकर्ता छोड़िए, आम जनता भी कोई भी वर्तमान विधायक को पसंद नहीं कर रही, ऐसी परिस्थिति में हम निर्दलीय लड़ेंगे, ताकि प्रदेश को भी सबक मिले कि ऐसा नहीं कि आपने जिसको दे दिया वही है, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, ना नहीं चलेगा। तो क्या कर रहे हो, सभी का ये निर्णय बना। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने आज तक पूरी मर्यादा से अपने राजनीतिक धर्म को दिखाया है, आप में बहुत सारे जानते हैं, राजनीति मुझे कोई विरासत में नहीं मिली, हमारे तो पूरे परिवार में, पूरे खानदान में कभी कोई राजनीति में नहीं था। आपातकाल में 1976 में उस समय जो पुलिस के लोग ज्यादा ही करते थे आम जनता के प्रति, आम लोगों प्रति, मैं तो बेहद शरीफ था रामचंद्र जी, अपन लड़ेंगे तो अर्जुन की तरह लड़ेंगे, क्या बोलते सब लोग, अपन लड़ेंगे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
बिराज जी के सामने और मेरे सारे मित्रों के सामने, मेरे सारे सहपाठियों के सामने, मेरे सारे परिजनों के सामने इस बात की घोषणा करता हूँ कि मैं रायगढ़ से निर्दलीय चुनाव लड़ता हूँ। मेरे साथ सब लोग हाथ उठा के बोलूंगा, मैं बोलूं मेरे साथ अर्जुन बनेगा कौन, तो सबको बोलना है मैं बनूंगा ठीक है। सब लोग पीछे बोले मेरे साथ अर्जुन बनेगा कौन, मेरे साथ अर्जुन बनेगा कौन, मेरे साथ अर्जुन बनेगा कौन। बोले भारत माता की जय। बुलाएं अमित शाह जी, आपको बुलाएं कि हम आपको ये निगम का कुर्सी दे रहे हैं, आपको लाल बत्ती दे रहे हैं, तो पीछे नहीं हट जाएंगे। मैंने कहा नहीं, कोई लोभ मेरे को डिगा नहीं सकता, कोई 10-20-50-100 करोड़ में मेरे को खरीद नहीं सकता। फिर बोले आपके ऊपर भय डालेंगे, दबाव डालेंगे। मैंने कहा मैं सुनने से उठाओ आदमी हूं, कितना बर्बाद करोगे मेरे को, हैं कितना बर्बाद करोगे, उस सुनने से तो ऊपर रहने वाला हूं मैं, तो ना मेरे को लोभ से, ना मेरे को डर से, ना मेरे को भय से, अब इस क्षण के बाद कोई भी दुनिया की ताकत वापस नहीं लौटा सकती। ये मैं आपके सामने वचन देता हूँ, पूरी कोर्ट बिराजी के सामने वचन दे देता हूँ, और जितने मेरे हजारों कार्यकर्ता सारे प्रमुख सेनापति खड़े हैं मैं उनके सामने भी वचन देता हूँ कि अब मुझे कोई डर, कोई लोभ, कोई भय कोई भी डिगा नहीं सकता, और इस क्षण से अपन युद्ध के मैदान में है और चुनाव हर हाल में अपन लड़ रहे हैं। बोलिए भारत माता की जय। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को द्वारा जिला भाजपा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र दे दिया, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। प्रति श्रीमान अध्यक्ष महोदय, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ रायपुर, द्वारा श्री जवाहर नायक अध्यक्ष जिला भाजपा रायगढ़, विषय पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र। आदरणीय, कुछ अपरिहार्य कारणों से मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे रहा हूँ, कृपया इसे तत्काल प्रभाव से स्वीकार करने का कष्ट करें। विजय भैया जिंदाबाद, 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 विजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। त्याग पत्र पहुंच गया, स्वीकृति की सूचना नहीं है। यार ये सवाल उठ रहे हैं, आपने चुनाव जीत लिया, सरकार बनाने के लिए आपकी जरूरत पड़े, हो सकता है भाजपा को पड़े, कांग्रेस को पड़े, तो क्या आप उस समय भाजपा के साथ खड़े होंगे? देखिए प्रश्न असामयिक है, फिर मैं आपको उत्तर देता हूँ कि अभी जो चुनाव लड़ने का निर्णय किया है ये मेरा अकेले का निर्णय नहीं है, ये सारी है, पूरी पूरी सेना खड़ी, सबका निर्णय है, और वैसी जो परिस्थिति है उस समय भी निर्णय मैं नहीं करूंगा, ये लोग करें। निर्णय कार्यकर्ताओं की इच्छा, वापसी। मैं अकेला क्यों, एक चुना क्या भाड़ झोंकेगा, गाँव थे मिश्रा जी, एक अकेला चुना क्या भाड़ झोंकेगा, वही बात है भाई। आज अगर मैं हूँ तो इन सबके बल पे हूँ, मैं नहीं हूँ, ये सब है, तो आगे भी जो भी निर्णय होगा वो ये लोग निर्णय करेंगे, वो मैं उसका क्रियान्वयन करूंगा। वो 3-4 दिन में रायगढ़ से लेकर दिल्ली तक, महाराष्ट्र तक, कहीं 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 कई जगह फोन आ चुके, किसी दल का नाम लेना उचित नहीं है, नहीं वो सवाल ही नहीं, हम निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो सवाल ही नहीं। विजय भाई बहुत जगह से बातें हो चुकी, बहुत जो ऑफर आ चुके, समझे आपको इस चुनाव में किसका किसका समर्थन प्राप्त है? ये हमारे सारे कार्यकर्ता नहीं, सामाजिक तौर पर वो अभी तो हम शुरू कर रहे हैं, अभी तो शुरू कर रहे हैं, कुछ बातें आई हैं, कुछ चीजें अंदर रहने की, समाज और कुछ चीजें, देखिए युद्ध में कई चीजें सामने होती हैं, कई चीजें पर्दे के अंदर भी होती हैं, तो अभी से सबका खुलासा क्यों करवा रहे हैं? एक ही वादा आप सबके, उसमें आप भी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं, सब शामिल हैं, आप सबके सुख दुख में साथ का, अब ये मेरा एजेंडा है, ये मैनिफेस्टो है, बाकी आपसे सलाह लेके सबसे कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तापन महत्वपूर्ण तय करेंगे। कुछ समान विचारधारा वाले प्रयास भी करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस तरह के लोगों का मुझे समर्थन मिले, सहयोग मिले, सब बातें गई तो अब वो दौर गुजर चुका, अब वो पहले वाली भाजपा भी नहीं रही। विजय भैया दशकों तक जो है, वर्षों तक जो है, इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी में रहने के बाद आज की सोच तो अपनी सोच अपने काम आती है। मैंने अपनी राह चुन ली, मैंने अपनी राह चुन ली, तो आपकी ये राह आपके कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत नहीं बनेगा? बागी होने का क्रम लगातार प्रारंभ नहीं हुआ? अरे मैं आरोप न लगाया कि देखो पार्टी में रहते हो अपने काम किया उचित थी, जिसमें पहले त्याग पत्र दिया,
और उसके बाद मैंने ये ऐलान किया कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे तो मेरा दायित्व बनता था। जरूरी नहीं ये हम लोग का सिस्टम है, प्रदेश अध्यक्ष को भेजा जाता है और जिला अध्यक्ष के द्वारा ये मैंने कल भेजा, ये उनका पावर थी। आप चाहे तो ले लो फोटो, थोड़ा जोर से बोलिए ना। ये जो सर निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया है, ऐसा क्या कारण आपका सर? मतलब मैंने अभी उतनी देर में सब वही बातें बताई कि पूरे कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं पार्टी के निर्णय से। रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र की पूरी जनता नाखुश है, वर्तमान विधायक के कार्यकाल से अप्रसन्न है और आम जनता का मनोभाव ये था कि स्थिति को बदलना चाहिए। हमारे कार्यकर्ता सारे कार्यकर्ता का मन था कि इस बार हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और उनकी राय और जनता के मनोभाव के आधार पर मैंने निर्णय लिया कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। सर हमारे एक निजी सर्वे से हमने किया था विधानसभा चुनाव के पहले, तो उसमें आपको शहर में विधानसभा में 35-40% लोग व्यक्तिगत जानते हैं जी। जिस तरह आपने सर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया, तो ये आगे इसमें जनसंख्या में और इजाफा होगा? निश्चित रूप से इजाफा होगा और रायगढ़ विधानसभा में ऐसा एक भी गाँव नहीं जहाँ के लोग मुझे न जानते हों और न चाहते हों। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।